डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर दोनों में है, फर्स्ट ईयर साइंस एजी दोनों के सिलेबस में है। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान है, नाइन्थ के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है? एक चैप्टर हमारा नाइन्थ में है साउंड, और फर्स्ट ईयर में उस चैप्टर का नाम है वेव मोशन। ये चलना है साउंड में। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन, एग्जाम्पल सुरंग गर्त क्या होते हैं, संपीड़न विकिरण क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंगों की परिभाषा बहुत डिटेल में हमने बताई थी फर्स्ट वीडियो में। आज उसका दूसरा है पार्ट टू। नाइन्थ में इस चैप्टर का नाम साउंड है और फर्स्ट ईयर में वेव मोशन दोनों में है। बहुत अच्छा वीडियो है। क्या है देखिए, आज कुछ परिभाषाएं बताएंगे तरंग के संबंध में, कुछ परिभाषाएं, क्या डेफिनेशन बताएंगे, जैसे आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, कला, तरंग चाल, छोटी छोटी छह परिभाषाएं हैं, मैंने लिख दी हैं और इनको समझा देंगे। एक बार आप वीडियो को ठीक से देखिए, पूरा तैयार हो जाएगा। और क्या है देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, कोई तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में संचरित हो रही है, तरंग संचरण की दिशा है ये। और ये देखो क्या है, विस्थापन वाई, वाई वाई डैश कह सकते हैं। ये जो है इसको कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। और देखो ये हमने बताया था किसी तरंग के साम्यवस्था के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को सुरंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। और ये किन्हीं दो निकटतम सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में होता है ये, किन्हीं दो निकटतम सुरंगों के बीच की दूरी को या किन्हीं दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इससे पहले ही बता दिया था। अब देखिए ये तरंग संचरित हो रही है, जब तरंग यहां से चली और देखो यहां पर आ गई, एक कंपन पूरा हो गया। और एक कंपन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यानी कोई कण, माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और देखो यहां तक क्या होगा, आधा चक्कर, यानी टी अपॉन टू। अच्छा, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, यानी अधिकतम विस्थापन की दूरी को या अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब देखो मैंने परिभाषा लिख भी दी है, आयाम क्या है, माध्यम के कण द्वारा साम्यवस्था के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को। देखो ये साम्यवस्था है, इसके दोनों ओर ये और इधर, ये इधर भी ए लिखा है, इधर भी ए लिखा है, साम्यवस्था के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। ये ए लिख दिया हमने, इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो ये दूरी है ना यहां से यहां तक की, ये दूरी है तो मात्रक मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। देखो अब आवर्तकाल, आवर्तकाल बताया ही था, माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी माध्यम का कोई कण यहां से चला और देखो यहां पहुंच गया, तो ये आवर्तकाल हो गया, एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। टी से प्रदर्शित करते हैं, काल का मतलब समय होता है, मात्रक सेकंड। अब देखो आवृत्ति, माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक पूछा जाए तो हर्ट्ज या प्रति सेकंड, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध होता है, एन बराबर वन अपॉन टी, तो इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। देखो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा हमने कई प्रकार से आपको बताई थी। अनुप्रस्थ तरंग में बताया था किन्हीं दो निकटतम सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में बताया था किन्हीं दो निकटतम संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहां पर देखो हमने क्या लिखा है,
माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखो माध्यम के कण द्वारा यानी यहां से यहां तक जो दूरी चली गई, एक कंपन पूरा हुआ, एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहां से समझो, यहां से देखो स्टार्ट हुआ ये और यहां पर आके कंपन पूरा हो गया, क्या लिख दिया है? तरंग दैर्ध्य। तो जो सिंपल परिभाषा आपको याद रहे किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, हो गया। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये भी दूरी होती है तो मात्रक मीटर, यहां से यहां तक की दूरी होती है देखो तो मात्रक क्या होगा? मीटर। अब देखो कला, कला किसी कण की स्थिति व दिशा को बताती है, यानी कला का मतलब जैसे ये है कण यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों स्थितियों में समान कला में है। अगर कण यहां और यहां है तो कहेंगे विपरीत कला में, यानी दिशा और क्या बताता है? स्थिति। अच्छा तरंग चाल, तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को, यानी तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को तरंग चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है ना दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तय करने की दर को तरंग चाल कहते हैं। बी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, एम के स्पर्शति मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक बार इनको फिर समझो क्या क्या है, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, कला, तरंग चाल, क्या डेफिनेशन बताई थी इस चित्र के आधार पर। आयाम क्या बताया? माध्यम के कण द्वारा साम्यवस्था के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को या अधिकतम विस्थापन में तय की गई दूरी को, ये कह सकते हैं अधिकतम विस्थापन में तय की गई दूरी को आयाम कहते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा? मीटर। फिर देखो क्या लिखा है? आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा टी से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति माध्यम का कण, माध्यम का कण द्वारा एक सेकंड में, यानी माध्यम के कण द्वारा होना चाहिए, ये सही रहेगा, एक जैसी परिभाषा है ना जी, माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा कर, हमने सब एक जैसी परिभाषाएं लिखी जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहे और समझा भी दी, अब तैयार हो जाएंगे, बच्चे रटते रहते हैं परिभाषाएं रटी नहीं जाती हैं, खाली चित्र देखा आपको याद हो जाएंगी, तुरंत याद हो जाएंगी। अच्छा माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वैसे और भी बहुत सारी परिभाषाएं तरंग दैर्ध्य की बताई, कला के बारे में आप समझ गए, तरंग चाल भी समझ गए। अब देखो ये तरंग चाल है, ये तरंग दैर्ध्य है, ये आवृत्ति, इन तीनों में संबंध का एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, तो इसको रफ कर देते हैं, इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसको उतार लेना। अब हम इसको रफ कर देते हैं, अब एक छोटा सा एक फार्मूला है जो कक्षा 9 में तो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, उसको अभी बताएंगे। अगला हमने क्या हेडिंग डाल दिया? आवृत्ति चाल तरंग दैर्ध्य में संबंध, यानी एन वी और लैम्डा में संबंध। कक्षा 9 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th में भी आता है। क्या है? देखो माना कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल टी, आवृत्ति एन, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, अभी अभी हमने पढ़ा था आवर्तकाल टी, आवृत्ति एन, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। अब देखो टी सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा, अभी अभी हमने कहा था कि एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसलिए ये परिभाषा लिखी थी वहां, एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो देखो एक कंपन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो टी सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा और एक सेकंड में लैम्डा अपॉन टी। अच्छा एक सेकंड में चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं या तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को तरंग चाल कहते हैं। आपने पढ़ा ना दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय क्या मान लिया एक सेकंड, तो एक सेकंड में तय चली गई दूरी को या तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये इसके स्थान पर क्या लिख दिया? v और लैम्डा अपॉन टी, ऐसा ही
इसको 1/T इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, और 1/2 किसके बराबर होता है, 1/T आवृत्ति के बराबर, आवृत्ति आवर्त काल में संबंध, एन बराबर 1/T, तो वी बराबर एन लैम्डा। बहुत अच्छा सूत्र है, छोटा सा है और परीक्षा में आता है। अच्छा, अब ये टॉपिक भी हो गया, तैयार कर लेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल ठोसों में। देखो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर अगला देखो बता देते हैं आपको। देखो आज के वीडियो का हमने लास्ट टॉपिक क्या डाला है, तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, यानी अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, रस्सी में हमने बताया था, तो एक तनी हुई डोरी है उनमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। एक छोटा सा फार्मूला है जिसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्या है देखो, एक लचीली तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है, v बराबर रूट टी अपॉन एम। टी अपॉन एम, जहां देखो टी क्या है, जहां टी तनाव, तनाव बल कहते हैं इसको, जहां टी तनाव, और ये जो एम है, एम है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये ध्यान रखना है, ये जो एम है ये द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि प्रूव दैट वी बराबर रूट टी अपॉन है, मतलब विमाओं की सहायता से इसको सिद्ध कीजिए। क्या है विमाओं की सहायता सिद्ध करने का मतलब, यह है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो जो एम है, एम की विमा अगर हम निकालें तो एम एल माइनस वन होती है, क्योंकि द्रव्यमान अपॉन लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है एम, द्रव्यमान अपॉन लंबाई, तो विमा एम एल माइनस वन आती है इसकी। किलोग्राम प्रति मीटर मात्रक होगा इसका, एम का किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम प्रति मीटर, तो विमा एम एल माइनस वन। तो ये टी तनाव बल है, इसकी तो विमा फोर्स वाली होगी। तो देखो अच्छा ये आ गया, अब देखिए यद डोरी की त्रिज्या स्मॉल आर बा घनत्व स्मॉल डी हो तब, त्रिज्या स्मॉल आर घनत्व डी हो तब, देखो द्रव्यमान बराबर एक सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन किसका, डोरी का, यानी डोरी कैसी है वेलनाकार, यानी वेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, एल, और एल के स्थान पर हमने लिख दिया वन। क्यों लिख दिया, क्योंकि लंबाई कैसी है एकांक और डी ऐसा ही, ये यानी एम बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर डी। अब देखो यानी अतः अतः अनुप्रस्थ तरंग की चाल किसमें, डोरी में, v बराबर t अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, ये आ गया। और आगे लिख सकते हैं इसको, देखो एक चैप्टर हमने आपको प्रत्यास्थता पढ़ाया था, ये फर्स्ट ईयर में है, आगे का प्रत्यास्थता पढ़ाया था, प्रत्यास्थता फर्स्ट ईयर में है, उसमें होता है प्रतिबल, और प्रतिबल बराबर आता है f अपॉन a, एफ की जगह यहां पर क्या है तनाव टी, और ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो टी अपॉन पाई आर स्क्वायर है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं प्रतिबल। तो देखो सूत्र क्या आएगा, अब बी बराबर देखो प्रतिबल अपॉन, देखो प्रतिबल अपॉन ये क्या बचा डी, डी का मतलब घनत्व, प्रतिबल अपॉन घनत्व, ये देखो ये फार्मूला आ गया। तो ये तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल है, एक लचीली तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर रूट टी अपॉन एम होती है, जहां टी तनाव, एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है,
यदि डोरी की त्रिज्या स्मॉलर घनत्व डी हो तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व फार्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर एल, एल की जगह वन लिख दिया क्योंकि एकांक लंबाई है और डी ऐसा ही, तो एम बराबर पाई आर स्क्वायर डी, अतः अनुप्रस्थ तरंग की चाल वी बराबर ये। अब देखो ये जो टी अपॉन पाई आर स्क्वायर है ये हमने कहा केवल इतना सा फर्स्ट ईयर में है, नाइन्थ में नहीं है, और तो सब नाइन्थ में भी है। देखो अभी इसके स्थान पर प्रतिबल लिख दिया, प्रतिबल अपॉन घनत्व हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आज अनुप्रस्थ तरंग की चाल बता दी, अगले वीडियो में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल यानी ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के फार्मूले बताएंगे, और बहुत अच्छा अगला वीडियो है लाप्लास का संशोधन भी बताएंगे आगे। इसके बाद आज वीडियो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसको तैयार करिए। ओके थैंक यू।